नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज मैं करने जा रहा हूं एक फ़ोन प्रैंक। मेरे एक फ्रेंड ने अपनी दोस्त का नंबर मुझे दिया है, मैं उसकी फ्रेंड का एचआर बनकर, उसकी कंपनी का एचआर बनकर उसके मज़े लूँगा। चलिए करते हैं उसको फ़ोन, देखते हैं कैसे मज़े लेते हैं। सो फोन लगा दिया मैंने। हेलो, राधिका से बात हो रही है? राहुल, या राधिका, गुड इवनिंग, आई एम राहुल फ्रॉम योर एचआर टीम। ओह हेलो राहुल, हाय हाय, हाउ आर यू राधिका? आई एम गुड गुड, टेल मी। ओके, हाउ अबाउट योर हेल्थ? हेल्थ इज फाइन, कंप्लीटली फाइन। ओके, सो व्हाट अबाउट योर फैमिली, एवरीथिंग इज गुड? या या, दे फाइन, वी आर इन दिल्ली एंड आई एम इन हैदराबाद सिंस आई हैव गॉट माय पोस्टिंग हियर ओनली, सो ओके, सो ऑल गुड। इन खाना पीना वगैरह सब टाइम पे मिल जाता है? हाँ जी हाँ जी, ऐसे जैसे कोई इशू तो नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉलिंग, मैंने कंसर्न, सो हैप्पी, नो प्रॉब्लम। सो राधिका, मतलब थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे? या मैं पर्सनल रिगार्डिंग जॉब। कैसी जॉब चल रही है आपकी? मैनेजर से कोई इश्यू वगैरह, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? फिलहाल तो नहीं है, और हम लोगों का वॉलंटियरिंग इशू भी हो रहा था, फिल कर रहे हम लोगों को वॉलंटियरिंग का, उसके हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ था उसमें। हाँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बट देन आई एम डूइंग माय यू नो 100% एंड परफॉर्मिंग वेल आल्सो। तो बट एज मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन है, ही इज हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। जो यू नो सेकंड अपलाइन है, ही इज लुकिंग यू नो apprehensive अबाउट माय परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, नाइस। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, मैं बात को नहीं घुमाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप लास्ट 15 से 20 दिन, सो और कंपनी इशू, थोड़ा सा अपनी कंपनी वैसे भी थोड़ा लॉस में चल रही थी, आपको पता है अच्छे से। सो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा एम्प्लॉय को, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एक्चुअली। ओके, सो आई एम सॉरी टू से दिस, बट 15 मई तक आप प्लीज ट्राई करो दूसरी जॉब ढूंढने की। इवन आई विल हेल्प यू इन दिस ऑल्सो, बट मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड फॉर मी, एंड आई मीन आर यू सीरियस? आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, क्योंकि बिकॉज़ इट्स नॉट इन अ गुड मंथ आल्सो, कि मैंने मतलब नॉट इवन अ ईयर। आई नो राधिका, कहीं आप अप्रेजल का वेट कर रहे थे और कहीं हम ये लाइन बोल रहे हैं, इवन हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे टाइम पे। हमें पता है कि आपको खाने में भी इशू आ सकता है, आपकी फैमिली के आप अकेले अर्निंग मेंबर हो, हमें सब पता है। बट आई विल ट्राई फुल ट्राई कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं कहीं ना कहीं। बट एज लाइक यू ओनली सेड इट कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा ले ऑफ चल रहा है, सर डू यू थिंक कि मेरे को कोई जॉब मिलेगी अब? इस वक्त सर इट्स अ वेरी हार्ड टाइम, एंड आई थिंक यू शुड सपोर्ट योर एम्प्लॉइज राइट नाउ, दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू गिव मी सच न्यूज़, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। या राधिका, आई गॉट योर पॉइंट, सर इट्स नॉट अबाउट, नो यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट, मैं अकेली वो नहीं, मेरा यू नो आई हैव अ लोन आल्सो, एमबीए लोन टू पे ऑफ, आई ओनली कांट अफोर्ड इट राइट नाउ एट सच सिचुएशन, एंड जो भी सेविंग्स है वो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत राधिका, मुझे मेरी आपके मैनेजर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया था मुझे कि आपका कोई एमबीए का लोन वगैरह भी है, तो वो उसमें भी आपकी काफी ईएमआई जाती है। बट आई एम सॉरी टू से दिस ना, आप मुझे क्यों एग्रेसिव होने की ट्राई कर रहे हो? मैं आपको प्यार से बोल चुका हूँ, मेरे ऊपर से भी प्रेशर है ना, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सर दिस इज नॉट अबाउट दिस, एंड दिस इज नॉट द वे आई फील कि आप ऐसे बस यू नो फोन करके आप यू नो इट्स नॉट अ गुड प्रोसीजर फ्रॉम माय एचआर साइड कि आप बस ऐसे फोन करके बोल देंगे कि सॉरी हम आपको निकाले, सर दिस इज नॉट द वे, आई एम सॉरी, आई रियली वांट टू स्पीक टू। नहीं नहीं, हम आपको दे रहे हैं 45 डेज का टाइम है आपके पास, यू आर वेरी टैलेंटेड राधिका, यू कैन इजीली सर्च एनी जॉब,
anyone can give you job. Talent, you understand situation of that. Now it's not about the talent, it's about jitne bhi talent hai sab ghar pe baithe hue hain. Aap mereko 45 days de rahe hain jisme se you know another what 2 weeks corona ki wajah se band bhi honge. Do you think into this 2 weeks will be wasted for me? Almost 15 days 45 days or 15 days mere liye waste hai, and 30 days is pretty easy. बट राधिका कंपनी भी तो कमाने के लिए बैठी है ना. हम आपकी बात आपके आप रो रहे हो और हम आपके ऊपर दया करके ये तो नहीं है ना कि हम अपनी जेब से पैसा देंगे. सर इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली. सर आप मेरे को बताइए अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. एज आई सेड माय डायरेक्ट अपलाइन इज हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस. अब मेरे को रीजन तो दीजिए. रीजन क्या तू राधिका, आधे आधे घंटे तुम चाय पीने जाते हो, 2 घंटे का तुम लंच लेते हो, क्या रीजन तू तुम्हें 9 घंटे का टाइम दिखा के तुम 4 घंटे तो ब्रेक पे रहती हो. But this is not about corona then. This is something else we're talking. Like corona की वजह से आप मतलब जो situation है उसकी वजह से आप मेरे को नहीं निकाल रहे तो हमारा loss हो रहा है ना company का. आप समझो ना इस बात को. Sir, I'm working from home. Sir, what are you talking, sir? मतलब you believe कि जितना शायद हम लोग efficient अपने office during hours नहीं होते हैं, उतना तो हम efficiency से हम अपने घर से काम कर रहे हैं sir. Almost we're working 9 hours from our home. राधिका मैंने तुम्हारा लॉगिन देखा है. राधिका तुम्हें सुबह 9:30 बजे लॉगिन करना चाहिए. तुमने परसों 11:30 बजे अटेंडेंस लगाई है. अब तुम सो रहे थे उस टाइम तक. मुझे क्या मतलब है उसी से. ये मतलब नहीं होता है बेटा. अब कोई बात नहीं, हम दोनों साथ मिलके आपके लिए कुछ अच्छी जॉब. आप दिल्ली से हो ना, दिल्ली में ही ढूंढेंगे आपके लिए. डोंट वरी सर, यू कांट डू दिस एट दिस सिचुएशन. आई एम सॉरी बट यू रियली कांट डू दिस टू मी सर. यू नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इवन आल्सो सर. यू गॉट टू सपोर्ट मी एट सच टाइम सर. डोंट क्राई राधिका. आई एम सो सॉरी. डोंट क्राई बट आई हैव टू से सॉरी. आई एम सो सॉरी सर. इट्स नॉट अ गुड टाइम दैट यू हैव गिवन मी सर. इतना तो आपने मुझे टाइम भी नहीं दिया. इट्स नॉट आई मीन Radhika, you are very talented girl. You can easily search any job. Sir, even if I'm talented, why can't I show my talent to this company then? Give me a chance, sir. This is what I'm saying. Because इस कंपनी में तुम 15-15 मिनट का टी ब्रेक लेते हो, 2-2 घंटे का लंच ब्रेक लेते हो, वो नहीं चलेगा. मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ लास्ट 6 महीने से. Sir, that was before. सर आप मेरे को अभी कोरोना का सिचुएशन देख के लेऑफ कर रहे हो सर. वो बहुत पहले की बात है सर. उसके बाद मुझे मेरे मैनेजर ने बोला भी था, दे हैव गिवन मी द फीडबैक कि राधिका ऐसे ऐसे हो रहा है. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी दैट आई हैव टेकन. आई वाज वेरी न्यू टू द कंपनी. तो मुझे जैसा कल्चर दिखा, जैसे लोग कर रहे थे, वैसे ही आई वाज फॉलोइंग. और देखो इसके इंटीमेशन नहीं भी है. राधिका कोई बात नहीं, फिर आपका ब्रेक आप इतना ज्यादा ले रहे हैं. देखो कोई बात नहीं. 15 मई को एक अच्छी सी ट्रेन या फ्लाइट बुक करो हैदराबाद की दिल्ली से, और बोरिया बिस्तर बंद पैक करके निकल लो. पहली फुर्सत में निकल लो. आई एम सॉरी राधिका. आई एम राहुल सांगवान, यूट्यूबर बात कर रहा हूँ. वो मैं सब प्रैंक कर रहा था आपके साथ. ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जॉब एकदम सुरक्षित है. आई एम सॉरी. आपके दोस्त वरुण ने मेरे को ये आपका नंबर दिया था कि मैं आपके साथ प्रैंक करूं और आपके थोड़े से मजे लिए जाएं. इस टाइम पे आप बहुत बोर होते हो दिन भर. यू कांट बिलीव, यू नो आई एम लाइक ऑलवेज इन माय टियर्स टुडे बिकॉज़ आफ्टर गुड लव एंड गुड गुड सेल्फ. डोंट वरी, आई विश आपका अप्रेजल भी बहुत अच्छा है. आपको हाइक भी 30-40% मिले और ऐसा HR का कोई कॉल नहीं आया आपके पास. हम उम्मीद करते हैं. डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा. थैंक यू सो मच. सो राधिका आराम से खाना मस्त रहो आराम से. डोंट वरी, बी सेफ. ओके राइट, चलो. थैंक यू राधिका फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू बाय. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रैंक? अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ इतने मजाक करवाना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पर है, फेसबुक ID स्क्रीन पर है. इन पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए, उसके पैसे नहीं लगते आपको पता है. और तब तक स्टे इनसाइड स्टे सेफ. जय भारत, जय हिंद.